ये है हैंगिंग पुल जो कि मैंने आप लोगों को बोला था, जो कि अगले वीडियो में अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे बोल रहा था मैंने। यही है जो हैंगिंग पुल, देखिए ना कितना सुंदर नज़ारा है, साथ हैंगिंग पुल है। ये हैंगिंग पुल आपका नहीं, बहुत दिन पुराना या बरसों पुराने हैं, ये 80 वर्ष से भी पुराने हैं इसे बोलते। तो देखिए ना नज़ारा कितना सुंदर। हेलो दोस्तों, दिस इज़ संतोष लिंबू। आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो कि अगले ब्लॉग में मैंने जो बोला है, जो कि जो हैंगिंग ब्रिज, उस ब्रिज को आप लोगों के समक्ष दिखाने जा रहा हूँ। आज मॉर्निंग का भी 6:05 हो चुका है, तो सबसे पहले मैं पीऊँगा पानी, क्योंकि ज़्यादातर भारत में, इंडिया में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है, जो कि सुबह सुबह हम लोग यदि वार्म वाटर को पियेंगे 1 गिलास से लेकर के 2 गिलास, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम 80 से 90% अच्छा होता है। तो आप लोग भी सुबह सुबह ये वार्म वाटर पीना ना भूले, क्योंकि ये पियेंगे तो आप लोग कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा होंगे। ये मैंने भी प्रमाण किया है, आप लोग भी पीजिए और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा। तो करता हूँ मेरा जो आज का ब्लॉग का स्टार्ट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं निकलने वाला हूँ, यही मेरा बाइक का हाल देखिए ना, पूरा टूट चुका है, बहुत पुराना हो चुका है मेरा बाइक। फिर भी मुझे जो मेरा बाइक ने मुझे अभी तक साथ दे रहे हैं, उसके लिए इस बाइक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे हर रोज़ साथ देने वाला, जैसे कि हर ब्लॉग में मुझे साथ देते हर रोज़ मेरा भैया है रोहन ब्रो। हम लोग दोनों जा रहे हैं जो कि वो ब्रिज आज आप लोगों को दिखाएंगे। एकदम बढ़िया ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है, जो कि रास्ता उतना अच्छा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है। आप लोग को दिखाएंगे बैक कैमरा से, ये रहा रास्ता। फिर भी सुबह का व्यू देखिए ना, कितना बढ़िया सुंदर सा व्यू है। हम लोग स्पीड बोलने से आपका 15 या 20 के स्पीड से ऊपर हम लोग बाइक चला ही नहीं पा रहा है। इतना अच्छा बोले या ख़राब बोले, आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिएगा रास्ता का हाल देखें कैसा हाल है। फिर भी हम लोग आप लोगों को जो दृश्य दिखाने के लिए जा रहे हैं, चल हैवी व्हीकल के वजह से रास्ता का हाल एकदम ही बुरा हो जाता है। देखिए ना कितना गड्ढा है, देखिए ना कितना सुंदर नज़ारा है, जो कि अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप लोगों को दिखाएंगे कि वो कोने में है ना, वो कोने में है हैंगिंग पुल, उसमें हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे जा करके। फाइनली गाइस हम लोग आ पहुंच चुके हैं। जो दृश्य देखे ना कितना सुंदर दृश्य, यही रास्ता है, ये रास्ता से हम लोग जाएंगे नीचे जा करके, वो जो हैंगिंग ब्रिज है आप लोगों को दिखाएंगे। इतना सुंदर नज़ारा है, आप लोग देखिएगा आप लोग और बोलिएगा वो नज़ारा कितना सुंदर है। जो ये ब्रिज है, जो ये यहाँ का जो खासियत, ये एक चीज़ है कि जो कि ये ब्रिज इतना पुराना है, जो कि शायद ये ब्रिटिश ज़माने से, जो हम लोग का जो भारत अभी जो आगे इंडिपेंडेंस हुआ ही नहीं था तभी, यही वो ब्रिज है जो कि बहुत पुराना ब्रिज है। यहाँ का जो काट के जो तख्ते है वो तख्ते ही खाली चेंज करता है, बाकी जो यहाँ का जो लोहे का तार है सबका सब जो पुराना है, जो 80 साल पुराना हो सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। ये देखिए ना सुबह का नज़ारा कितना सुंदर नज़ारा, जो इस जगह को नेफानी भी बोलता है, नागालैंड एरिया में पड़ता है, जो कि वो खारिस्ट के अंदर पड़ता है, जो हम लोग जो अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था उसी का ये आगे का भाग है। फाइनली हम लोग, ये रहा हैंगिंग ब्रिज, हम लोग हैंगिंग यहाँ से हम लोग को चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई करते हैं। और ये देखिए ना ये तार, लोहे का तार कितना पुराना हो सकता है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए, जो कि बहुत पुराना, बहुत साल हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग जाएंगे इस ब्रिज से। आप लोग यदि इस ब्रिज में आगे कभी चले हो तो आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, या यदि नहीं चले हो तो मैं चल करके दिखाऊंगा कितना हिलता है ब्रिज। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे, अब चल करके आप लोगों को जो व्यूज नज़ारा दिखाने के लिए आप लोगों को कोशिश करेंगे, मेरा साथ है भैया। चलिए हम लोग अभी चलते हैं ना भैया, चलो हम लोग चलते आगे, आप चलिए, हम पीछे आपके साथ आ रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे जो कि व्यूज़, इतना सुंदर व्यूज़। आप लोग यदि इस जगह पे आने चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा जगह ज़्यादातर क्रिएटर लोग को आने में बहुत दिलचस्पी और खुशी होता है, सुकून मिलता है दिल में, क्योंकि ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य खूब कम ही आने को जो मौका मिलता है। देखे ना सुबह का व्यूज़ कितना सुंदर नज़ारा, देखे ना यहाँ पे ब्रिज टूटा हुआ है, ये यहाँ के लोग जो ज़्यादा टूट जाने से रिपेयरिंग करता है, अभी तो उतना तो टूटा नहीं है, जो कि आगे रिपेयरिंग कर ही चुका है। हम लोग जाएंगे उस पार,
हम लोग आ पहुंच चुके हैं उस पार। देखिए अभी थोड़ा टूटा हुआ है, यदि मिस्टेक से पेड़ से फिसल जाने से आप लोग समझ ही सकते हैं कैसा होगा। तो देखिए हम लोग उस पार से इस पार आ पहुंच चुके हैं। उस साइड का कुछ नज़ारा ऐसा है, देखिए ना नज़ारा तो बहुत अच्छा ही है, सुंदरी नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। इधर चल रहा है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, जो अभी हम लोग उस पार जा रहे हैं, हम लोग आए हैं उस पार से, अभी जाएंगे हम उस पार। आप लोग वीडियो देख रहे, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये नेफानी आप लोग यदि नज़दीकी पड़ता है तो आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा ये नज़ारा देखने के लिए, बहुत सुंदर नज़ारा है, आप लोग एक बार आकर के नज़ारा देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं उस पार, कुछ डर सा महसूस होता है यहाँ पे चलने से, क्योंकि बहुत हिलता है ना, हिलने की वजह से कुछ मतलब मन में कुछ घबराहट सा महसूस होता है, क्योंकि ये तीन तार से खाली नीचे खाली तीन ही तार है, जो कि तीन तार से ही ये काट को इसमें लगा हुआ है। आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोग ये यहाँ पे इसके नीचे जो काट है, इस काट के नीचे आप लोग खाली तीन ही तार है, तीन तार के ऊपर ये काट लगाया हुआ है, और इधर साइड में करने के लिए कुछ बेड़ा भी दिया हुआ है तार के तार से, क्योंकि कुछ डर ना हो यहाँ चलने वाले लोग को, इसीलिए दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है, आप लोग एक बार आइएगा और आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि आप जब खुद आएंगे तब उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा, एक बार ज़रूर आइएगा। आप लोगों को वीडियो देखकर व्यूज़ कैसा लगा और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे आया था व्यूज़ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं आगे भी आ चुका था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी एक नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों को जो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।